सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर रहे मैं अपने ही घर से, जैसे कि सुबह का हो रहा है टाइम 7 बज रहे हैं, सूर्यदेव भी उदय हो चुके हैं, जय हो सूर्यदेवाय नमो। और सुबह मौसम आज थोड़ा यहाँ ऐसा गड़बड़ हो रखा है, मतलब चारों तरफ बादल बादल आ रखे हैं, मौसम साफ़ नहीं है। तो मौसम भी साफ़ नहीं है तो कपड़े भी कैसे धोए हम, लेकिन क्या करें कपड़े तो धोने हैं। आज इतना मेहनत भरा काम हुआ कि क्या बताऊँ मैं, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं थोड़ा, और किचन कुचन की सफाई भी करनी है। कमरों की सफाई तो कल कर दी थी हमने, हम दोनों लोगों ने की है। तो आज बिस्तर बाहर डालेंगे, कुछ हमने कल सुखा दिए थे तो कुछ आज सुखाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमने बिस्तर बुस्तर नहीं सुखाए थे, सारे मतलब दीवान खाली करने पड़ेंगे। तो दिखाती मैं आप लोगों को अपना किचन गार्डन, मेरे देवरानी जिठानी दोनों लोगों ने कर रखा है, और इतनी ज़्यादा सब्जी हो रखी है कि क्या बताऊँ मैं। घर में आते ही इतना ठंडा और खाने के मज़े, हरी सब्जी हो गई और मूली हो गई, राई भी है यहाँ, मूली भी है, हरी सब्जी, मतलब हरी सब्जी वो वाली राई नहीं है, दूसरी राई है जो 12 मास होती है। तो ये हमारे घरों में ये 12 मास होती है, बहुत लंबे पेड़ होते हैं इसके, थोड़ा हल्का सा कड़वापन रहता है इस पर, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं परसों से लगातार वही सब्जी खा रही, सुबह नाश्ते में और दिन के खाने में मैं हमेशा वही सब्जी बना रही। तो ये रहा हमारा घर, अभी आ रही मैं अपनी छत पर, ये है हमारी सुंदर सी ब्यूटीफुल छत और ब्यूटीफुल होम घर, ये है हमारा। और ये उधर है हमारा गांव, दिखाती मैं आप लोगों को अपना गांव। गांव में तो अभी धूप आई नहीं, तो हमारे यहाँ तो सबसे टॉप में हमारा मकान है, तो यहाँ पे तो धूप आ गई है, और गांव में तो देरी में जाती है धूप। तो दिखाती ये है हमारे अखरोट के पेड़, ये एक तीन मतलब 5 पेड़ यहाँ पे हैं, और ये है नारंगी के पेड़, संतरा तो यहाँ पे कम ही होते हैं। तो ये है हमारी हरी सब्जी, अभी तो मैं अपने छत पे आ रखी हूँ, ऊपर वो नीचे जाके दिखाती मैं आप लोगों को। ये नींबू के पेड़ हैं और मौसमी के पेड़ हैं, ये है हमारा बगीचा, और ये हमारे नीचे छोटी सास जी का मकान जो अभी देहरादून में है। तो ये हो रखी हमारे यहाँ की नई कटिंग की रोड, ये आ रखी यहाँ से, इस ये मोड़ है, तो ये सीधे गाँव के बीचों बीच आ रखी है। अभी ये सूर्य की किरणें लग रखी है यहाँ। तो ये है हमारा गांव, अभी साफ नहीं दिख रहा, ये हमारा गांव, ब्यूटीफुल गांव कोरिंग। तो यहाँ से लग गया हमारा जंगल सीधे ऊपर, जैसे कि ये हैं, ये भी हमारे खेत हैं, एक पड़ोसी हमारे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं मैं उधर जाके दिखा दूँगी। ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये है जहाँ पर ये टंकी दिख रही, ये है हमारे पड़ोसी हैं, जो मेन पड़ोसी हमारे बगल में। तो ये है हमारा जंगल, ये ऊपर धार है, चंदड़िया धार बोलते हैं इसको, यहाँ पे मतलब जब भी हम जंगल जाते आते यहाँ पे ज़रूर बैठते हैं, हम आधा घंटा लगभग बैठते हैं। और ये रही हमारी गौशाला, अभी तो यहाँ इतनी झाड़ी झाड़ी हो रखी है, तो जिस दिन हमको टाइम मिलेगा उस दिन हम इसको साफ़ कर देंगे। पिछली बार तो मैंने और मेरी दीदी ने मतलब जिठानी लोगों ने, हम दोनों ने किया था यहाँ सफाई गौशाला की, अभी तो थोड़ा बहुत साफ़ है, लेकिन यहाँ जो बोलते ना मतलब मकान के अगल बगल जो गैलरी होती है वहाँ भी साफ़ नहीं हो रखा है। जैसे ये मकान है हमारे मकान के पीछे, देखो इतनी झाड़ी हो रखी है, इसको भी अभी साफ़ करना बाकी है। तो करेंगे आज हमारा यही काम होगा, कपड़ों की धुलाई और इसकी सफाई होगी आज। गेड़ा घर में तो गेड़ा बोलते ना, लेकिन लोग बाहर तो इसको वो बोलते हैं क्या, गैलरी टाइप की होती जो मकान के इधर उधर, वो है ये। तो यहाँ देखो इसकी सफाई होगी आज, ये भी हमारे वाला हिस्सा है, और उधर मेरे देवरानी का है, वो उनका वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बना रखा है, वो किचन है। और चलते हैं अब अपने पहाड़ की एक खास बात बताऊँ मैं आप लोगों को, कि यहाँ पहाड़ में आके इतना ठंडा हो रहा, जून के महीने भी यहाँ पे इतनी ठंड हो रही कि स्वेटर, हल्की स्वेटर रखी थी मैंने घर में, उससे भी काम नहीं चल रहा। तो मैंने निकाली है मोटी वाली हुड, ये हुड पहन रखी है मैंने, देखो आप लोग, तब भी इतना ठंडा हो रहा, क्योंकि हम जो हैं बहुत टॉप में हैं, तो यहाँ मतलब धूप भी होगी तो तभी ठंडा होता ही है, और हवा भी चलती है, इसलिए। कपड़े तो मैंने भिगा दिए हैं, इतने ही और हैं कपड़े धोने के लिए। ये रहा मेरी दीदी लोगों का किचन गार्डन, गोभी लगा रखी थी लेकिन इनमें कीड़े लग गए, शायद इन्होंने दवाई नहीं डाली इसमें, नहीं तो पिछली बार तो अच्छी हो रखी थी। ये रही राई,
जिसको मैं बता रही थी, हल्की सी कड़वी होती है लेकिन बारह मास होती है ये। यहाँ पे एलोवेरा भी लगा रखा है, इसमें राई के वो जो ये राई है ये वाली, तो इसी की पौध उगा रखी है यहाँ पे, तब इसकी पौध भी लगती है और बीज भी होते हैं इसके। इसमें टमाटर लगा रखे हैं और इसमें ये सारे जेठ जी ने किए होंगे, सारा जेठ जी इतने मेहनत है कि क्या बताऊँ मैं, बहुत मेहनत है। इसमें मिर्च बो रखी है, मिर्च उगा रखे हैं, मिर्च के पौध। अब इसको हम अपने दूसरे उसमें बगीचे में लगाएंगे। कुछ यहाँ नीचे लगा रखे हैं इन्होंने गोभी, और ये हमारे नए पौधे नारंगी के, पिछली बार तो अच्छी हुई थी इसमें नारंगी, हमको भी भेजे थे दीदी ने। और ये है राई, कितनी खाने राई, खा खा के तो जी ने भरा ये राई खा के। ये देखो आप लोग, ये तो पहले लगा दी थी, और जो नई पौधे वो ये लगा रखे हैं। अभी तो ये इतनी छोटी हैं, तो आगे ये भी ऐसी इतनी ही बड़ी होंगे जितनी बड़ी ये हो रखे हैं। और ये है कद्दू का, कद्दू की बेल। ये रहे हमारे मौसमी के पेड़, मौसमी, नींबू। इसमें तो मक्की बो रखी है दीदी ने, और नीचे नीचे वाला खेत दिखाती मैं आप लोगों को। इधर प्याज लगा रखे थे, इधर ही प्याज लगा रखे हैं, उसमें अभी कूड़ा कबाड़ा हो रखा है, तो उसको अब दीदी आके अपने आप करते हैं ठीक। बाकी ये रहा हमारे घर का सुंदर सा नज़ारा। नाश्ता पानी तो कर दिया है मैंने, अभी मेरा बहुत सारा काम है, क्योंकि घर में आते ही काम ही काम शुरू हो जाता है। सफाई करो, इधर उधर सफाई करो, कपड़े धोने का हो गया, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी थोड़ा हल्की सी तो धूप आ तो रखी है, लेकिन शाम तक यहाँ हमेशा बारिश हो रही है। ये वाला है मेरी देवरानी का, देखो कितने अच्छे ढंग से ये बना रखी है। बाड़ बोलते हैं इसको, आड़ के आड़ और बाढ़ ये है। किनारे किनारे इसने आलू लगा रखे हैं, रेखा रानी ने बीच में क्या बो रखे हैं मक्की। कल शाम की तो इसकी गुड़ाई भी कर दिया रेखा ने, पर मक्की तो अभी कम ही आ रखे हैं इसमें। ये है नारंगी का पेड़, इसमें खूब सारी नारंगी होते हैं। ये है नींबू का पेड़, जो छोटा नींबू है इस पर आ तो रखे हैं। ये देखो आप लोग, तो देखो एक नींबू आ रखा है, एक ये है और दो ये है, कुछ फूल भी आ रखे हैं नए नए। तो यहाँ पे इसने इस तरह से थोड़ा इसी ये बाड़ बना रखी है। देखो नए कलाकार हैं, क्या बताऊँ मैं। एक पेड़ ये है, एक बगीचा ये है हमारा। यहाँ भी मक्की और चौलाई होगी, मूली, पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं। ये भी नींबू का, मौसमी का पेड़ है, सॉरी हाँ। तो ये भी मौसमी का है एक, और एक उसका है, किसका होगा ये, हाँ नींबू के ही पेड़ है। ये है अखरोट का पेड़, ये हमारा है, इतना बड़ा है। मेरे तो बस के है नहीं इस पे जाना, लेकिन जेठ जी तो झाड़ते हैं, वही निकालते हैं हर साल अखरोट। इस साल भी वही उन्हीं को बोलूँगी मैं निकालने के लिए। इस बार तो आ रखे हैं, ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक ठाक आ रखे हैं। तो ये है हमारे घर का सुंदर सा व्यू। यहाँ तो इतना ठंडा हो रहा है कि एसी का भी, एसी भी फेल हो जाएगा यहाँ। ये रहा हमारा मेन रास्ता आने का, ऊपर आने का, और ये है ऊपर जंगल जाने का रास्ता। ये तो इससे ऊपर कोई गांव नहीं है, मतलब ये है लास्ट घर हमारा ही है। और आप कर रहे हैं, अभी चूल्हे की लिपाई पुताई करूंगी अच्छे ढंग से, क्योंकि दो तीन दिन हमने चूल्हे में ही बनाया, गैस खत्म हो गया था, और ऑलरेडी आ तो खैर गैस मिल गया हमको। अब कर रहे हैं इसकी पुताई। Thank you.
मेरी आग वाली चूल्ही तैयार है। देखो आप लोग इसको इस तरह बाउंड्री लगाते हैं, क्योंकि जब हम आग जलाते हैं राख और कोयले ताकि बाहर ना आए जमीन में इधर इसके बाहर, तो इसलिए हम तो इसमें ना हल्की सी ऐसी बाउंड्री देंगे ऐसे में। तो ये होगी मेरी चूल्ही तैयार, मैंने मतलब अच्छे ढंग से लीप लाप के फिट बना दी है इसको। और इसमें जो है हम बीच में एक ऐसे पत्थर रखेंगे, जैसे ये है इसको भी ऐसे रखते हैं ये, ताकि यहाँ की आग पीछे की चूल्हे न जाए, जब हम आगे खाना बनाएंगे तो पीछे आग न जाए, तो इसलिए हम इसको लगाते हैं। अभी तो हम इसको हटाएंगे और ये हो गया मेरा किचन तैयार बिल्कुल। अब बनाते हैं हम दिन का खाना। और सफाई करते करते मुझे एक चीज़ मिली, ये है हमारे पुराने मतलब क्या बोलते होंगे इसको, डलोना बोलते, डलोना ये है। ये चूहों ने भी काट रखा, इसमें जब अनाज सुखाते थे ना हम कूटते थे, जैसे गेहूं हो गए, धान हो गए और मनवा हो गया, जंगोरा हो गया, तो इसमें रखते थे, तो बोलते थे इतनी डलोनी सटी की हुई बार। तो एक ही है, एक ही है ये, तो इस ये भी चूहे ने काट रखा है कुछ इस तरह से, ये देखो आप लोग। और पुराने जमाने के ये भी लगा रखे हैं यहाँ, ये देखो अंदर भी थे ये, यहाँ से और अंदर लगाए जाते हैं, मतलब कपड़े टांगने के काम आते हैं और ऐसे मतलब कुछ चीज़ टांगने के काम आते थे। पहले लोग कील कहाँ ठोकते थे दीवारों पे, तो कुछ इस तरह से रहते हैं ये। तो अंदर के तो हमने तोड़ दिए थे, ये एक यहाँ पे लगा हुआ, और ये है एक अलमारी इस तरह से, और एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से लगाया करते थे, मतलब बनाते थे पहले के लोग, ये देखो आप लोग।